नमस्कार, आप देख रहे रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। कोर्ट ने मणिपुर जनजातीय मंच द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मणिपुर जनजातीय मंच ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि राज्य में कुकी जनजाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के लोग ऐसे भाषण देने से बचे जिससे हिंसा भड़क सकती है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आज से भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। शाहिद ने आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ आज एक गर्मजोशी भरी और सार्थक बैठक हुई। साथ ही बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि पर दृष्टिकोण साझा किए हैं। साथ ही हमारा परस्पर सहयोग उन लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे आगे बढ़े, इस सब पर भी बातचीत की गई। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 2 अगस्त से सुनवाई होगी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक तमाम मुद्दों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले यह भी बताया जाए कि किस पक्ष से कौन कौन बहस करेगा। बता दें कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित है, जिन पर एक साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाल में खून बहाया जा रहा है, ममता जी को हिंसा का जवाब देना होगा। समित पात्रा ने कहा कि जिस भूमि से कभी वंदे मातरम के शब्द उपजे थे, आज उसी भूमि पर जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वह अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले इस प्रकार की हिंसा ना हमने सुनी थी और ना ही देखी थी। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची बन चुके हैं। साथ ही पात्रा ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस राज्य में मतगणना हो रही है वहां के लोग दूसरे राज्य में शरण ले रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वॉशिंगटन में आयोजित भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने कहा कि अमेरिका समेत कई देशों की तुलना में अल्पसंख्यक भारत में अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारत के खून में है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पश्चिमी मीडिया के कुछ वर्ग भी इसमें शामिल है। साथ ही कहा कि पश्चिमी मीडिया का कुछ हिस्सा भारत के खिलाफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर प्रोपेगेंडा में शामिल हो गया है। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में अल्पसंख्यक अन्य कई देशों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वे अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग राजनीतिक नियंत्रण कक्ष में बैठते हैं और मैदान में गुंडों को अपने रिमोट से कंट्रोल करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भारत दौरे पर है। इस्सा ने दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान इस्सा ने कहा कि हम एक साझा उद्देश्य के साथ विभिन्न घटकों और विविधता तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ने मानवता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक साथ शांतिपूर्वक रहें। उन्होंने आगे कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम अपनी नागरिकता और देश के संविधान पर गर्व महसूस करते हैं। इसके साथ ही अजीत डोभाल ने कहा कि भारत दुनिया में दूसरी और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
इन्वेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया। बता दें कि किसी देश के सरकारी फंड को सोवरेन फंड कहा जाता है। अपनी अर्थव्यवस्था व अपने नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए दूसरे देशों में सोवरेन फंड का निवेश किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में किए गए सर्वे में भारत को 76 तो चीन को 51 अंक मिले। सर्वे में दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मेक्सिको व दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश भारत की तुलना में काफी पीछे पाए गए। अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के उद्देश्य से भारत अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज अंडमान और निकोबार कमांड में INS उत्कोष में अत्याधुनिक हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि ये ट्विन हैंगर 6000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं यह ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ P-8I विमानों के संयोजन को समायोजित करने में सक्षम है। इसकी यह सुविधा भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक पहुंच को बढ़ाएगी। भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रहा है। रक्षा बलों द्वारा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के सामने रखे गए हैं और इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है। प्रस्तावों के अनुसार भारतीय नौसेना को 4 प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीडेड राफेल समुद्री विमान मिलेंगे। अनुमान है कि ये सौदे 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सोनभद्र में ओबरा जी नाम से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें यूपी सरकार और NTPC की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना का पहला यूनिट 50 महीने और दूसरा यूनिट 56 महीने में बनकर तैयार होगा, जिसमें कुल 17,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि प्लांट लगने के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के आतंकियों के एक और षड्यंत्र को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर नौशहरा में घुसपैठियों के दल के एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और आतंकी का शव LOC के पास से बरामद किया गया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की यह कोशिश नौशहरा के झंगड़ सेक्टर में हुई है। इस सेक्टर में सुबह 3 से 4 आतंकियों के दल ने घुसपैठ का प्रयास किया। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक आतंकी LOC पर ही ढेर हो गया। सेना की जवाबी कार्रवाई में 1 से 2 आतंकी घायल भी हुए हैं, जो वापस पाकिस्तान की ओर भाग गए। भारतीय मूल की 4 महिलाओं ने फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में जगह बनाई है। इन चारों महिलाओं की कुल संपत्ति $4.06 अरब है। जो भारतीय महिलाएं सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं, उसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और CEO जय श्रीउलाल, IT कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग फर्म सिंटे की निजा सेठी शामिल है। इसके अलावा क्लाउड कंपनी कन्फ्लुएंट की मुख्य तकनीकी अधिकारी और सह संस्थापक नेहा नरखेड़े और पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा नुई है। गोल्डमैन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गोल्डमैन रिसर्च के भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेन गुप्ता ने कहा कि भारत अगले 20 वर्ष तक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भारत की निर्भरता का अनुपात घटेगा। इसलिए यह वास्तव में भारत के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने, सेवाओं को बढ़ाना जारी रखने, बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखने का सही समय है। देश में लगातार शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ रहा है। आयकर विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि द्वितीय वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% से बढ़कर 4.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो आर्थिक रूप से हुए बदलाव का एक प्रतिबिंब है। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह कुल बजट के अनुमान के 26.05% पर पहुंच गया है। इसमें आयकर और कंपनी कर शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को T20 सीरीज के दूसरे मैच में 8 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने लो स्कोरिंग मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिला दी। टीम इंडिया ने 96 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को बचाने में टीम की गेंदबाजी सफल रही और बांग्लादेश को 20 ओवरों में 87 रनों पर ढेर कर दिया।